हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप में से काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि मोहित भाई अब आप शायरी क्यों नहीं बोलते। तो चलो आज एक और शायरी हो जाए। पबजी हो गया है बैन, गुची एक ब्रांड। पबजी हो गया है बैन और गुची है एक ब्रांड। आज आपका भाई रिव्यू करेगा द ओबेरॉय ग्रैंड। फाइनली मैं द ओबेरॉय ग्रैंड के अंदर एंटर हो गया हूँ। और ये क्या सही रूम है यार। तो अब जल्दी से मैं आप लोगों को रूम टूर देता हूँ। ये जो रूम है ये इनका प्रीमियर रूम विथ बालकोनी है। वैसे इनके पास रूम का काफी सारा ऑप्शन है। सबसे जो बेस्ट कैटेगरी का रूम है वो डीलक्स रूम है, उसके बाद लग्जरी रूम है, उसके बाद एक प्रीमियर रूम है, और प्रीमियर में ही एक और रूम है प्रीमियर रूम विथ बालकोनी। तो मैंने बालकोनी वाला रूम लिया है। मैं सब कुछ दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। काफी कमाल का व्यू है। और ये मुझे कितने का पड़ा? काफी एक्सपेंसिव पड़ा, लेकिन जो भी है मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूं। तो रूम के अंदर एंटर करते ही राइट साइड में है वॉशरूम और यहाँ मिरर। ये इनका वार्डरोब एरिया है और यहाँ पे चॉकलेट एंड कुछ कुकीज वगैरह है जो कि चार्जेबल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है चाय कॉफी। और नीचे है इनका मिनी बार। वेट मैं दिखाता हूँ। तो ये देख लो, ये इनका मिनी बार है। बट उससे पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन है ग्लास वगैरह रखा हुआ है और ये शायद शैंपेन का ढक्कन वगैरह खोलने के लिए है। नीचे दिखाता हूँ इनके मिनी बार में क्या क्या है। ओ भाई साहब, इस बार मुझे मिनी बार जो है खाली नहीं मिला। ऊपर में सारे सॉफ्ट ड्रिंक है, नीचे में सोडा वाटर और यहाँ पे दो हिमालयन का मिनरल वाटर, और नीचे यहाँ पे बियर है या फिर क्या है पता नहीं, आइडिया नहीं है बॉस, अगर आइडिया हो तो बता देना। और ऊपर भी काफी कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, आलमंड्स, पिस्ता, बेरी और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये जो है बार रेट है, आप लोग देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, वो जो नीचे था वो वाइन था जो की था 3500 रुपए का। ये जो चॉकलेट है 200 रुपए का है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह 215 रुपए करके है। और यहाँ मिलता है आपको सैमसंग का टीवी और यहाँ पे एक बारकोड मिल जाता है जिसको आप स्कैन करके इन रूम डाइनिंग वगैरह भी करवा सकते हो। और एक यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे एक डीवीडी प्लेयर है और ये टीवी का रिमोट। तो यहाँ आपको मिल जाएगा एक लॉकर, इस साइड आपको मिल जाएगा एक वर्किंग डेस्क जहाँ पे आप अपना काम वगैरह कर सकते हो, साथ में एक नोटपैड। स्टेशनरी में क्या क्या है यहाँ पे, और यहाँ जो दो साइड लैंप लगा हुआ है ना, काफी एंटिक लग रहा है। यहाँ आपको एक कैलेंडर भी मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे एक और फोन मिल जाएगा। इस साइड क्या है, तो ये होटल को लेकर ही है। और साथ ही यहाँ पे एक एयर प्यूरिफायर भी लगा हुआ है। ऐसे ऐसे पेंटिंग्स आपको हर जगह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये देख लो इनका वार्डरोब, यहाँ पे आप कपड़ा वगैरह अपना आयरन कर सकते हो। जब आप शूज वगैरह पहनते हो तो उसको एडजस्ट करने के लिए है, इससे आप अपने जूते भी साफ कर सकते हो। यहाँ पे इनका ये लॉन्ड्री ड्राई क्लीन, और यहाँ लॉन्ड्री रेट क्या है देखना पड़ेगा। तो ये शर्ट 370 रुपए, टी शर्ट 350 रुपए, ट्रैक सूट 440, कुर्ता 325। ये ऑटोमेटिक टॉर्च है, पता नहीं ये देते किस लिए है। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा, ये देखो, और निकालूंगा तो चालू हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं बंद। और ये देख लो, ये है इनका बेड। बेड भाई सुपर कंफर्टेबल लग रहा है। बेड के दोनों साइड ही लैंप है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक हिमालयन का पानी का बोतल। बहुत लोगों को अलग अलग टाइप का पिलो चाहिए होता है तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है स्लीपर्स, और इस साइड भी आपको एक स्लीपर्स मिलता है। और ये प्लग पॉइंट सब है। इस साइड आपको मिल जाएगा एक इंटरकॉम और ये स्मार्ट टीवी का रिमोट, और मेरा नजर पड़ा इधर YouTube। और यहाँ दो और हिमालयन का पानी का बोतल, और ये एक लैंप एकदम पुराने जमाने जैसा। और यहाँ चेयर जहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हो, लेकिन आपने जब बालकोनी रूम लिया है तो यहाँ बैठकर कौन चिल मारेगा, बाहर ही जाकर मारेंगे। वेट मैं दिखाता हूँ बाहर, बट उससे पहले देख लो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देखकर आप ये मत सोचो अरे वाह मोहित भाई को ओबेरॉय में भी सब कोई जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुकिंग करते वक्त ये लोग पूछते हैं कि सर आपका यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, लाइक आप कुछ सेलिब्रेट करने आ रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा। तो मैंने बोला था हाँ अभी रिसेंटली मैंने 300K कंप्लीट करे हैं, उसी के लिए आ रहा हूं मैं, तो इसलिए ये मुझे मिला यहाँ पे। इसके लिए बिग थम्स अप द ओबेरॉय ग्रैंड के टीम को। और ये सब कुछ चॉकलेट का है, ये जो आप देख रहे हो ना ये भी चॉकलेट का ही है, ये ऐसा स्टैंड नहीं है, ये भी आप खा सकते हो। और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है ये भी चॉकलेट का ही है,
हर कुछ यहाँ पे चॉकलेट है देखो। खैर इसको ढक देते हैं अभी। यहाँ पे एप्पल जिसको आप खा सकते हो। ओवरऑल देख लो ये रूम। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनका बालकोनी। ये देख लो ये इनका बालकोनी जहाँ पे आप सुबह सुबह बैठ के चाय पी सकते हो कुछ इस टाइप के नज़ारे के साथ, जो कि मैं बोलूंगा काफी सही व्यू आ रहा है। लेकिन बाहर अभी काफी गर्मी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाता हूँ इनके वॉशरूम को। तो ये देखो ये रहा इनका वॉशरूम। है थोड़ा छोटा ये वॉशरूम, बट सबसे अच्छी बात यहाँ पे मिला है मुझे एक बात तब, जिसमें भाई कम से कम मैं यहाँ पे 2 घंटे समय बिताने वाला हूँ। यहाँ भी एक इंटरकॉम मिल जाता है और इधर है बाथरूम, इधर भी ढेर सारे टाल। देखता हूँ यहाँ पे क्या है। ये इनका हेयर ड्रायर। यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक क्लीनिंग बटर बार मिल जाता है। तो देखता हूँ इसमें क्या क्या है। ये हैंड सैनिटाइजर, बॉडी लोशन, शावर कैप, सेविंग किट, सैनिटरी बैग, लूफा, डेंटल किट, और यहाँ पे ढेर सारे टॉवल है। नीचे यहाँ पे नैपकिन भी रखा हुआ है। और इस कांच में क्या है भाई। अच्छा यहाँ पे ईयरबड दिया हुआ है। और ये क्या है, ये शायद लड़कियों के लिए है, मे बी मेकअप वगैरह जो रिमूव करने के लिए शायद। ओवरऑल देख लो ये है इनका वॉशरूम। और यहाँ एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और इधर भी एक बड़ा सा मिरर है। ये जब आप सेविंग करते हो उसके लिए ये मिरर दिया रहता है। बाथटब के पास आपको मिल जाएगा एक बाथिंग सुगर बार एंड यहाँ शैम्पू, कंडीशनर एंड शावर जेल। तो होप कि आप लोगों को द ओबेरॉय ग्रैंड का रूम टूर अच्छा लगा हो। अभी मैं काम करता हूँ, अभी मैं फ्रेश होता हूँ, तब तक आप लोग अंदर के कुछ शॉट्स वगैरह एंजॉय करो। ऑलराइट, तो मैं फर्स्ट क्लास फ्रेश हो गया और अभी मैं जाऊंगा लंच करने के लिए। वैसे इन रूम डाइनिंग का भी फैसिलिटीज है, लेकिन यार मुझे इनका रेस्टोरेंट में जाना है। तो अभी मैं जल्दी से चेंज करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ ओबेरॉय के रेस्टोरेंट में, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। जाना किधर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये इधर इनका लिफ्ट, ये हर जगह यहाँ पे ऐसा सैनिटाइजर हर कॉर्नर में रखा हुआ है। और जो भी बोलो यार, क्या सही प्रॉपर्टी है ये। ये इनका रेस्टोरेंट है 363। और एक है बांथाई, नो सैंडल्स और शॉर्ट्स। पता नहीं मेरे को एंट्री देंगे भी या नहीं, क्योंकि मैं तो स्लीपर्स में हूँ। तो अंदर आते ही सबसे पहले मैं अपने लिए कोई टेबल देखता हूँ। और मैंने एक चीज नोटिस करा है, जितने भी अंदर स्टाफ है अपने फेस पे वो फेस शील्ड लगा रखा है। और जैसे ही हम लोग टेबल पे बैठने गए, टेबल को अच्छे तरीके से फुली सैनिटाइज किया गया। तो ये काफी सही है। सबसे पहले मैंने अपने लिए ये फ्रेश लाइम सोडा मंगवाया है। वहां पे देख लो, बच्चे भी अगर आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। वैसे जो इनका एम्बियंस है ना, मुझे बहुत सही लगा। एंड टेबल पे आते ही आपको इस टाइप का एक पाउच मिल जाएगा, जिसमें आप अपना जो ये मास्क है वो रख सकते हो। तो ये काफी जरूरी है। ये तो आते ही मैंने ये फ्रेश लाइम सोडा ऑर्डर कर लिया था। अभी ये काइंड ऑफ इन लोगों का वेलकम ड्रिंक है, तो ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। तो सबसे पहले ये आ गया है सार्डो ब्रेड विथ 3 टाइप का चटनी। ओवरऑल देख लो, सबसे पहले मैं यही खाने वाला हूँ। तो ये आ गया हमारे टेबल पे दही कबाब। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी क्रिस्पी टाइप का ब्रेड है, ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखता हूँ ये दही कबाब कैसा है। ये जो मैंने दही कबाब खाया है ना, वाह, मैंने इससे पहले भी दही कबाब ट्राई करे हैं, लेकिन ये जो दही कबाब है ना भाई, बेस्ट है बेस्ट। इसके चक्कर में ये ऐसे ही पड़ा रह गया। ये दोनों के दोनों ही एकदम कमाल के थे यार। अब देखता हूँ इसके बाद क्या आता है, जो भी आएगा वो मैं दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो ये मेरे टेबल पे अब आ गया है सुशी एंड इधर रहा चॉपस्टिक। बाय द वे ये इंडियन स्टाइल सुशी है और इसके अंदर आपको चिकन टिक्का भी मिल जाएगा। चलो इसको ट्राई करता हूँ मैं। ये पता नहीं क्या है लेकिन काफी क्रिस्पी है। इससे पहले जो मैंने सुशी खाया था ना, वो मैंने ITC में खाया था और वो मुझे उतना जमा नहीं था, लेकिन ये सही है यार। एंड ये चिकन टिक्का,
तो ये है गलौटी कबाब और उसके नीचे है कीमा कुलचा। साइज देखो बॉस इसका कितना छोटा है। ओ भाई साहब, इसको मतलब बिल्कुल भी चबाने का मुझे जरूरत नहीं पड़ा। सही है यार। I don't know if you know that this restaurant is 363. हाँ, but ये हमारा दिल्ली में भी है 360, फिर गुड़गांव में 361, फिर यहाँ पे 363. Reason कि 361 था world cuisine. अब देखता हूँ ये कीमा कुलचा कैसा है। कीमा कुलचा जो है वो ठीक ठाक सा है, लेकिन ये जो गलौटी कबाब है ना बहुत ही सही है इनका गलौटी कबाब। वाह, तो अभी तक खाने में जितना कुछ आया ना हर कुछ एक नंबर है। तो ये आ गया मेरा फिश टिक्का विथ पपाया चटनी। नीचे में मुझे यहाँ पे बैगन भाजा भी दिख रहा है। बाय द वे ये जो है वेट की फिश है, देखता हूँ कैसा है ये पपाया चटनी के साथ। ये जो फिश है ना सुपर फ्रेश है यार, और स्पेशली इस पपाया चटनी के साथ तो और भी सही लग रहा है। तो अब आ चुका है ये तंदूरी प्रॉन्स। यहाँ कुछ मस्टर्ड और भी कुछ इसमें मिक्स है इस चटनी में, और ऊपर में आलू भाजा। अब क्या ही तारीफ करो इसका, जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना उससे कई ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा है। मुझे याद है जो मैंने लास्ट तंदूरी प्रॉन्स ट्राई करा था वो ग्रैंड बीच रिजॉर्ट, या वो मैंने ग्रैंड बीच रिजॉर्ट में ट्राई करा था, वो भी काफ़ी सही था, लेकिन ये जो है ना ये भी कमाल का है। तो ये देख लो, अभी ये आया है हम लोगों का लैम्ब नान और ये रोगन जोश। कितने जल्दी बोन से अलग भी हो जा रहा है, देखो पेट काफी हद तक भर गया है, लेकिन फिर भी इतना टेस्टी है ना ये, काफी सही लग रहा है। अब टाइम है डेजर्ट का, तो ये सबसे पहले आ चुका है यहाँ पे रस मलाई। तो रस मलाई पूरे तरीके से खत्म हो चुका है क्योंकि ये इतना अच्छा जो था। By the way, this is root tea, right? Yes, this is the root tea. तो अभी जस्ट हम लोगों ने अपना सारा मील कंप्लीट करा और ये अभी हमारे टेबल पे आ चुका है रूट टी। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रूट, साथ में यहाँ पे दो कुकीज भी है। अगर आपको कुछ स्वीटनेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे हनी है। काफी सारे हर्ब्स का फ्लेवर है इसमें, लेकिन अपने को थोड़ा मीठा चलता है इसलिए थोड़ा इसमें हनी ऐड करता हूँ मैं। ना चलेगा, ग्रेट। तो खाना वगैरह हो गया है डन। खाना इनका यार एक नंबर खाना था इनका। तो जब भी द ओबेरॉय ग्रैंड का चक्कर लगे आप इनके रेस्टोरेंट 363 में जरूर आना। मैं इनके रेस्टोरेंट से बाहर आ चुका हूँ, अब मैं आप लोगों को थोड़ा इनके प्रॉपर्टी में घूमकर दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे करने के लिए, लाइक इनका जिम, इनका पूल एरिया कहाँ पे है, सब कुछ मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ इनके पूल एरिया पे। ये जगह मेरे को बहुत ही सही लगा, लेकिन अभी इनका मैं पूल यूज नहीं कर सकता। वैसे शायद आपको पता होगा ये जो ग्रैंड होटल है ये मतलब काफी पुराना होटल है, एक हेरिटेज होटल आप बोल सकते हो इसको, काफी पुराना है। और मेरा बालकनी कहीं दिख रहा होगा, शायद ये वाला मेरा बालकनी है। थ्री के अलावा इनका एक और रेस्टोरेंट है जो कि है बान थाई, जो कि अभी शायद बंद है ये। और यहाँ पे देखो कितना एंटिक सामान सब रखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो रेस्टोरेंट है ना पूरा वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो, बान थाई कोलकाता। तो हमेशा मैंने ग्रैंड होटल को उस एरिया से देखा है, आज पहली बार अंदर से खड़ा होकर देख रहा हूँ। राथुन स्टेफन, तो इन्होंने इस पूरे प्रॉपर्टी को डिजाइन करा था। अब इस होटल में जितना भी ये सब आप फर्नीचर वगैरह आप देख रहे हो ना, चाहे वो नीचे जो मैंने अभी आप लोगों को पियानो दिखाया, ये सब कुछ अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और ये बाय द वे इनका लॉबी है, मिस्टर राय बहादुर एमएस ओवरआई 1898 to 2002। तो अभी हम लोग ग्रैंड होटल के जिम में है, तो ये इनका जिम देखो।
एंड जिम के अगर अंदर आप आते हो तो यहाँ पे देख लो आपको मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर हर कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, यही डायरेक्ट स्पा की तरफ निकल जाता है। तो अभी मैं हूँ ग्रैंड होटल के काफी पुराने एक रेस्टोरेंट में, जो कि है घराना, जो कि अब ये शायद घराना नहीं रहा, अब यहाँ पे ये बैंक्वेट हॉल बन चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनके लग्जरी स्वीट को। सबसे पहले मैं अंदर चल जाऊँ। तो रूम टूर देने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं, इस रूम का जो अप्रोक्स जो रेट है वन नाइट का, समझो आप 1 लाख के आसपास, वो लाइक वेरी करता है, कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन 1 लाख के आसपास इसका प्राइस है वन नाइट का। तो ये इस लग्जरी स्वीट का मास्टर बेडरूम। ये देख लो यहाँ से व्यू, और इस फैन को देखो, अभी मेरा नजर इस फैन पे पड़ा। और ये इधर का वॉशरूम देख लो भाई साहब, काफी बड़ा साइज है वॉशरूम। और इधर ये शावर एरिया। और एक बात मैं बता दूं, इस रूम में टोटल 4 बालकनी है। अच्छा, एक उधर, एक इधर, एक इधर और एक उधर भी, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। एंड इस वाले बालकनी से कुछ ऐसा नजारा है। होप कि आप लोगों को इनका जो सबसे एक्सपेंसिव रूम है वो देखकर अच्छा लगा हो। मुझे भी काफी अच्छा लगा। एक तरह से ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, और अगर इसमें न्यू फर्नीचर और हर कुछ न्यू हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो माइंड में ये लेकर देखना। तो अभी मैं रूम के अंदर आया, और मैं रूम जैसे तैसे करके चला गया था, लेकिन जब मैं रूम के अंदर आया सब कुछ अपने जगह पे और एकदम साफ हो चुका है रूम ये। और यहाँ पे मुझे एक लेटर भी मिला है, और साथ में ये बॉक्स है, और ये तो अभी नीचे मुझे होटल वालों ने दिया है। बाकी ये लेटर देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और सिर्फ रूम ही को नहीं, अभी मैं बाथटब में कुछ देर पहले नहाया था, इनका ये कंडीशनर शैम्पू सब यूज करके वापस से इन लोगों ने इसको अच्छे तरीके से साफ करा है, और वापस से यहाँ पे देख लो शैम्पू, कंडीशनर, सावर जेल लाकर रख दिया गया है। और यहाँ से भी काफी कुछ मैंने यूज करा था, इन सबको भी रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे चाय या कॉफी। कॉफी मुझे दिख रहा है तो कॉफी बनाऊंगा, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि चाय बोलकर मैं कॉफी बना देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो कॉफी, ये है, ये सब शुगर है, ये भी शुगर, यहाँ ये दार्जिलिंग ब्लैक ऑर्गेनिक टी, असम ब्लैक ऑर्गेनिक टी, असम एंड दार्जिलिंग ब्लैक ऑर्गेनिक टी, दार्जिलिंग ग्रीन ऑर्गेनिक। मैं पीऊंगा आज कॉफी। तो ये मेरा कॉफी बनके हो गया रेडी। होप कि आज ये कॉफी अच्छा बनाओ। हाँ जी, आज का जो कॉफी है बहुत ही अच्छा बना है। और अभी मैं अपने बालकोनी में जाके नजारे दिखाता हूँ रात में द ओबेरॉय ग्रैंड कैसा दिखता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ, रात में कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं, कितना सही लग रहा है यार। देखो ये एक ऐसा जगह है ना जहाँ बैठ के मैं घंटों बिता सकता हूँ। और आई नो आप लोग पूछोगे कि क्या मोहित भाई आप अंदर आए हैं, तो अंदर आने का क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ता है। तो मैं बता दूं, ज्यादा कुछ नहीं, आप जैसे ही होटल के अंदर एंटर करोगे सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक होगा, आपको अपने हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करना होगा, और जब आप अंदर आ जाओगे तो आपको एक मिलेगा वेलकम ड्रिंक। एंड मुझे इस होटल का चेक इन प्रोसेस जो होता है ना बहुत ही सही लगा, हर कुछ एकदम कॉन्टेक्टलेस था, सारा जो प्रोसेस था एक टैब में ही हो गया, मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोला, अपना ईमेल आईडी बोला, तो ये मुझे काफी सही लगा। उसके बाद आ गया मैं इस ब्यूटीफुल से कमरे में। बाहर से ये जैसा दिखता है ना होटल, आपको बाहर से लगेगा कि ये होटल उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जब आप अंदर आते हो तब पता चलता है ये वाकई में कितना बड़ा होटल है। और ये जो होटल है ना, एकदम जो चौरंगी रोड है एकदम इसके पास में ही है, मतलब काफी बिजी रोड है वो स्प्लेनेड वाले रोड की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे कि इस रूम के लिए मैंने कितना पे करा है, मुझे कितना में ये रूम मिला। मैं बता दूं, अगर आप मेक माई ट्रिप में या फिर इनके वेबसाइट में भी चेक करोगे तो ये जो मैं रूम में रुका हूँ ना, प्रीमियर रूम विथ बालकनी, इसका जो प्राइस है 12,000 से 15,000 के बीच में है, इंक्लूडिंग मील, आप अगर मील वगैरह ऐड करवाते हो तो और थोड़ा शायद बढ़ेगा, लेकिन मुझे ये रूम मिला है 9,400 रुपए में। एंड ये रूम मैंने कैसे बुक करा तो मैं बता दूं, मैं इनके वेबसाइट में गया और वहां पे मैंने देखा रूम रिजर्वेशन के लिए नंबर दिया हुआ था, तो मैंने उस पे कॉल करा और मैंने उनसे पूछा कि मुझे डे आउट के लिए रूम चाहिए, लाइक 7-8 घंटे के लिए, ऐसा कुछ आप लोगों के पास ऑफर है क्या। तो इनका एक ऑफर चल रहा था जो कि डे आउट रूम था, सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आप इनके रूम पे स्टे कर सकते हो, लेकिन कोई मील वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं था। वो जो हम लोगों ने खाया वो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था होटल के तरफ से। इसके लिए मैं वापस से थैंक्स कहना चाहूंगा द ओबेरॉय ग्रैंड कोलकाता को, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग आते हो स्टे करने के लिए और इन रूम डाइनिंग करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कि अंदर में क्या क्या रेट है, और रेट 5 स्टार के हिसाब से मैं बोलूंगा ठीक ठाक ही है। और आपको इस होटल में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो अब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फाइनली अब टाइम हो गया इस लवली से रूम को चेकआउट करने का।